आप किस स्पोर्ट से? हमें गेम प्ले वीडियो में दम है। तो भाई ये है जीटेक्स मोटर। तो भाई हमारे पास पैसे देख लो कितने डॉलर हैं, 3,280 डॉलर हैं। तो भाई ये है पार्ट 5। पार्ट 4 में जैसे यहाँ पर एंड हुआ था, पर यहाँ से स्टार्ट हो गया है पार्ट 5 में। तो भाई आपने जो भी पार्ट नहीं देखे जाके देख लो। तो भाई ये दे रहा है हमें कार 19,505 डॉलर की। हम इसे कहेंगे भाई 18,000 की लगा ले, लगा लेगा तो उठा लेंगे। तो भाई इसने उतना ही रेट लगा लिया है। पर भाई मैंने ये कार का गेट देखा है और पीछे से ये कार डैमेज है। इसको जल्दी से जल्दी चलते हैं और इसको सेट करवाते हैं, फिर भाई इसको अच्छे से रेट में बेचेंगे। सबसे पहले भाई कार को यहाँ पर मैंने खड़ा कर दिया है। और भाई ये हमारे भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई तू कितने पैसे लेगा? 800 डॉलर लेगा भाई, ये डॉलर लेगा। और भाई ये बस चिंगाड़ी निकालता रहता है, जैसे मैंने कहा था कि वैसे बस चिंगाड़ी निकालता है और कार को सेट कर देता है। जितनी भी डैमेज है सब सेट कर देता है कार को ये। तो भाई ये हमारी कार सेट हो चुकी है, इसको जल्दी से जल्दी निकालते हैं बाहर और लेकर चलते हैं जीटेक्स मोटर के पास बेचने के लिए। मतलब कि जीटेक्स मोटर मतलब कि मैं मेरी दुकान है, मुझे विश्वास ही नहीं है। तो भाई जल्दी से जल्दी इसको लेकर चलते हैं। पहुंच गई भाई, पहुंच गई, चिंता मत करो, स्किप मत करो, पहुंच गई है भाई, सब्सक्राइब कर देना। तो भाई देखो हमारी कार यहाँ पर पहुंच गई है। हमारे पास है 11,480 डॉलर बचे हुए हैं कार खरीदने के बाद। इसका कितना लगाएं भाई? मेरी जहाँ तक सोच है 26 लगा लूँ। भाई 26 बहुत हो जाएंगे, चलो तो 26 लगा लेते हैं, फिर देखते हैं भाई कितने में अच्छे में ये बिक जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा हमको। तो भाई साहब ये हमारी कार जो खड़ी है इतनी खूबसूरत है, कुछ कहने की बात नहीं, लैला बहुत ही अच्छी है। और भाई ये हमारे सामने बंदा आ चुका है, देखते हैं भाई कितना रेट लगा रहा है। अच्छा लगाएगा तो उठा बेच देंगे इसको। भाई 20,826 लगा रहा है, 800 डॉलर उसको दिए थे और हमारा प्रॉफिट है 2,026 डॉलर। इतना कम प्रॉफिट और इतनी मेहनत, नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ये हमारे सामने लेडी आई है, बहन जी आई है, देखें कितना लगाएंगी। हाँ जी बताइए। और इन्होंने हमें बताया है कि 23,352 डॉलर। तो भाई इसको हम कहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लीजिए, हम बढ़ा देंगे, आप खरीद लीजिए। और ये देखो मैंने कर दिया है, 25,000 कर दिए भाई, 25,000 डॉलर नहीं उसने खरीदा। और ये हमारे सामने भाई साहब आ चुके हैं, कितना लगा रहे हैं भाई? 25,942 डॉलर, 26,000 के पास। भाई मैं ज़्यादा कहूँगा तब भी बिक जाएगी, पर भाई मुझे ऐसा दिल नहीं कर रहा करने का, पूरे 26 के 26 कह देते हैं, मुझे पता है तुरंत बिकेगी। और ये भाई गया लेकर, मजा आ गया। तो भाई इधर देख लो, ये हमारे सामने पीले रंग की कार है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, जल्दी से जल्दी हम आ चुके हैं। 27,163 डॉलर की मिल रही है। हम इसे खरीद लें कि नहीं? थोड़ा सा कम रेट में खरीदेंगे, क्योंकि इतने में खरीदेंगे फिर भाई इतना मुनाफा नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। भाई 25,000 मैंने खरीद कह दिया है, वो भाई मिल गई, वाह भाई वाह। इसमें जल्दी से जल्दी बैठते हैं और उड़ते हुए पहुंचते हैं गैराज के पास। तो भाई जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि हमें देर नहीं करनी है भाई। ये देखो ये हमारा सामने गैराज आ चुका है, हमारी कार यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। भाई साहब मुझे ये इतनी डैमेज नहीं लग रही, पता नहीं कितना लेगा ये रुपए, मतलब पैसा डॉलर। तो भाई 0 लिए हैं, जल्दी से जल्दी सेट कर दे यार, चिंगाड़ी निकाल दे भाई। 2 चिंगाड़ी निकाली हैं, इसका मतलब भाई पहले भी हमने करवाई थी ना कार रिपेयरिंग, 800 डॉलर लिया था, उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया होगा इसने जो भी है। तो भाई कार को मैंने कर दिया बैक, जल्दी से जल्दी लेकर चलते हैं अपने शोरूम की तरफ, पहुंच भी गई है। और इसका रेट मैं लगाने वाला हूँ, रेट इसका क्या करते हैं भाई, इसमें 25,000 डॉलर की जैसे मैंने खरीदी थी ना, तो इसे 31 कर दें। नहीं भाई भाई मैं रुक जाता हूँ यार, 34 कर देते हैं मेरे से लग रहा है, क्योंकि भाई 34 जो रेट होगा ना भाई, वो आगे का बंदा खरीदेगा तो उसमें ही चाहे जितना घटा बढ़ा लिया जाए भाई। तो जल्दी से जल्दी मैंने 34 कर दिया। आप देखते हैं भाई एक एक बंदा आ रहा है, एक ग्राहक आ रहा है, तो ग्राहक भगवान का रूप होता है, अच्छा रेट लगाए तभी मैं मानता हूँ। तो भाई इधर इसने कितना लगाया है कुछ तो बताओ भाई। ये बाय बॉय कह रहा है सेल कर दें, भाई मैंने कर दी यार, भाई इसमें प्रॉफिट तो मुझे कस के हुआ है, मुझे कम से कम मुझे लग रहा है 22-23 का प्रॉफिट हो चुका है। तो भाई ये हमारे सामने कार है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने क्यों खरीदने की सोची, इसकी पावर देखो 135 है, ऊपर लिखा होगा साइड पे प्राइस के नीचे। तो भाई 3,725 डॉलर की मुझे दे रहा है कार, मैंने 3,000 कह रही है भाई, चलो मैंने बाय कर ली है, उतने की कर ली है, क्योंकि मेरी सोच है कि ये अच्छी से अच्छी बिक सकती है अच्छे। भाई ये देखो मैंने
मैं खुद ही डैमेज कर रहा हूँ सेट करवाने के लिए कार को। क्या भाई, जल्दी से जल्दी यहाँ पे खड़ी कर दी। और ये हमारे सामने बंदा जी आ चुके हैं और इसने लिया है 0 डॉलर। वाह भाई वाह, ऐसे मुझसे कम कम पैसे पैसे लो ही मत, मैं तो अमीर होना चाहता हूँ भाई। तो भाई ये हमारी कार है, इसमें जल्दी से जल्दी बैठते हैं और इसको करते हैं पैक। और भाई इसको देखते हैं किसका कितना इसका मतलब कि पैसा मिलता है। तो भाई कार हमारा यहाँ पर आ चुकी है। चलो भाई, मैं सोचता हूँ 3725 की खरीदी है, 10,000 ना लगा दिए जाए। सोच रहा हूँ भाई 10,000 लगाते हैं, भाई कितना मिल सकता है भाई, 5 के ऊपर ही मिल जाए बस, कुछ नहीं चाहिए, 5 के ऊपर मिल जाए। तो भाई कार माँ हमारी यहाँ पर खड़ी है, देख लो भाई लुक भी जच रही है, जीटेक्स मोटर्स भी अच्छा लग रहा है। तो भाई एक बंदा आ चुका है टाई बेल्ट लगा के, मुझे लग रहा है ये भी नौकरी नौकरी इधर उधर करता होगा। तो भाई कितने की खरीदेगा तू? 3819 भाई, इतने ना दे, इतने पैसे नहीं लेंगे हम, थोड़े से ज़्यादा मिलने चाहिए। तो भाई ये आ चुके हैं हमारे सामने, भाई साहब बताएं कितने लगाएंगे ये? भाई साहब 5452 डॉलर, बहुत ही अच्छे इसने लगाए। इसको कहते हैं भाई थोड़ा सा कम ज़्यादा मैं कर देता हूँ, 6,000 लगा दिए हैं भाई, नहीं माना वो भाई, खड़ा ही रहे अभी। तू इससे पूछ लेते हैं भाई तू कि कितना लगाएगा, दोनों सगे भाई हैं भाई, ये कम लगा रहे, ये कंजूस वाला भाई है इसका। तो भाई ये जो प्राइस ज़्यादा लगा रहा है, इससे खरीद लिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए भाई, देखता हूँ भाई थोड़ा सा मिल जाता है कि प्राइस मिल ही जाए भाई। मैंने भाई गलती की है मुझे लग रहा है छोड़ के। भाई इसका उसका वो तीसरा भाई आ चुका है, देखे भाई ये कितना कंजूस है, ओ भाई साहब उससे भी ज़्यादा कंजूस है ये। तो भाई मैंने वो गलती कर दी थी, बहुत ही बुरा लग रहा है, 5 की बेचनी है बस, 5 की पिक चाहे और कुछ भी नहीं चाहिए, गई 5 की। तो भाई आपको ये पार्ट 5 कैसा लगा? कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, जीटेक्स मोटर पार्ट आएगा अगला।